ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मजोगर श्लोक नंबर 42 मुझे पाठ करने को जाऊँ। इंद्रियाणि परान्यं हुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्सु परावुद्धे जो बुद्धे परस्तस्तु सः। इंद्रियाणि परान्यं हुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्सु परावुद्धे जो बुद्धे परस्तस्तु सः। कर्मेन्द्रिय गुड़िक यार अर्थ होची कर्मेन्द्रिय गुड़िक निर्जीव भौतिक पदार्थ ठारु उन्नततर मन इंद्रिय मानंग ठारु उन्नत अटे। बुद्धि मन अपेक्षा उन्नत एवं से अर्थात आत्मा बुद्धि अपेक्षा अधिक उन्नत अटे। भावार्थ होची इंद्रिय गुड़िक कामर भावार्थ होची इंद्रिय गुड़िक कामर कर्म निमित्त माध्यम अटंती। शरीर मध्यरे काम रही एणु यह इंद्रिय मानकर माध्यम प्रकाशित हुए तेणु इंद्रिय गुड़िक शरीर अपेक्षा अधिक उन्नत। जेतेबेले उन्नत चेतना बा कृष्ण चेतना थाए सेतेबेले एही माध्यम गुड़िक व्यवहृत हुए नाही। कृष्ण चेतन आत्मा परम पुरुष भगवान सहित प्रत्यक्ष संजोग स्थापन करे तेणु ए तेणु एठारे वर्णित शारीरिक क्रिया परिणामतः परमात्मा ठारे शेष हुए। शारीरिक क्रिया कहले इंद्रिय मानकर क्रिया को बुझा जाए एवं इंद्रिय निरोध कहले शारीरिक क्रिया को बंद करिया कथा बुझाए। जेहेतु मन सर्वदा सक्रिय तेणु शरीर निष्क्रिय हेले सुद्धा शरीर विश्राम करुथिले सुद्धा मन काम करुथाय। जेपरी शयनावस्था रे सुप्त स्वप्न रे भी मन काम करे किंतु मन उपरे बुद्धिर स्थिरता कथा अछि एवं बुद्धि उपरे स्वयं आत्मा अछि तेणु जदि आत्मा प्रत्यक्ष भाव परमात्मा सहित संयुक्त हुए ताहले अन्य समस्त अधस्तन कर्मचारी अर्थात बुद्धि मन ओ इंद्रिय गुड़िक ए समस्त स्वतः निजुक्त होइजिबे। कठोपनिषद रे कुहा जाइछि जे इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु इंद्रिय मानंक अपेक्षा उन्नततर अटे। तेणु ए जदि मन प्रत्यक्ष भाव रे भगवान को सेवारे बराबर निजुक्त हो जाए ताहले इंद्रिय गुड़िक अन्य कर्म रे निजुक्त हबा र आउ अवकाश रहे नाही। एही मानसिक क्रिया कथा आगुरु कुहा जायछि जदि मन भगवान कर दिव्य सेवार निजुक्त हो जाए ताहा हेले निचतर कर्म रे निजुक्त हबार आउ अवकाश आउ रहिबो नाही। कठोपनिषद रे आत्मा को महान बोली कुहा जायछि तेणु आत्मा समस्तंकर उपरे अर्थात एहा इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु इंद्रिय मन और बुद्धि ए समस्तंकर उपरे क्षमा करिवे। तेणु आत्मार स्वरूप स्थिति को भल भाव बुझीगले समस्यार समाधान हो जाए। बुद्धि साहाज्य रे व्यक्ति आत्मार स्वरूप स्थिति कथाटी बुझिबा उचित एवं तत्परे मन को सर्वदा कृष्ण चेतनारे निजुक्त रखिबा उचित ताहा हेले समस्त समस्यार समाधान होइजिबो। एक नूतन ब्रह्मचारी को साधारणत इंद्रिय भोग्य विषय वस्तु ठारु दूरेई नेबाकु उपदेश दिया जाए। बुद्धि साहाज्य मन को बलिष्ठ करवा उचित। जदि बुद्धि साहाज्य परम पुरुष
ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ମନକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ମନ ସ୍ୱତଃ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଏ। ଯଦିଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ପମାନଙ୍କ ପରି ଖୁବ୍ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାନ୍ତି ତଥାପି ବିଶ୍ୱଦନ୍ତ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ସର୍ପମାନଙ୍କ ଭଳି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଅଟେ ଯଦି ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସହ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ବଳିଷ୍ଠ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ବିଚଳିତ ମନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଅଧପତନ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ।